आज ये पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर समस्त जिला मुख्यालयों पर भारतीय किसान यूनियन के धरने प्रदर्शन शुरू हुए हैं, जो भारत सरकार के द्वारा 3 कृषि अध्यादेश लाए गए हैं उसके विरोध में लगातार आंदोलन चल रहे हैं। किसानों ने चक्का जाम भी किया, फिर चक्का जाम करेंगे, लेकिन आज तक सरकारों ने बात नहीं सुनी, इसलिए अनिश्चितकालीन आंदोलन भारतीय किसान यूनियन ने शुरू किए हैं। गन्ने का रेट, आज तक कोई रुपया गन्ने के रेट का 3 साल से नहीं बढ़ाया गया, तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं क्या महंगाई नहीं बढ़ी 3 साल में, जो फसलों के दाम नहीं बढ़ाए जा रहे। बकाया आज हमने यहाँ सूची चस्पा की है कि कितने कितने करोड़ रुपए किस शुगर मिल पर हमारे बकाया हैं, तो बकाया नहीं दिलवाया गया। मुख्यमंत्री जी कई बार घोषणा कर चुके हैं, धान की खरीद के नाम पर बड़ा घपला जनपद बिजनौर के अंदर ही नहीं पूरे प्रदेश के अंदर बड़ा घपला धान की खरीद पर है, तो इसलिए आज ये अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू हुए हैं और किसान अपने बिस्तर लेकर और सारी चीज़ें लेकर आए हैं। बिजली विभाग के अंदर बड़े घपले हैं, बिजली विभाग का अगर आपको मैं यहाँ टीवी स्क्रीन पर भी आपको दिखाऊँ, ये एक देखो, ये किसान है नजाकत अली, ये नजाकत अली जो किसान है, इस किसान ने बिल जमा करा 6 अक्टूबर 2017 को 1,16,120 रुपये, फिर इसने जमा करा, इसे बताया गया, इसके पास नोटिस भेजा कि अभी भी बिल रह गया आपका, इनने 30 अक्टूबर 2018 को फिर 76,575 रुपये जमा कर दिए, इसका खाता माइनस में चला गया और तब से लगातार एडवांस इसका पैसा जो विभाग के पास जमा है, आज उसका ट्रांसफार्मर फूका, उसके बकाया में उसके जो है एडवांस में 20,829 रुपये एडवांस में किसान के जमा, लेकिन फिर भी उस किसान का 2 महीने हो गए ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया, तो ये क्या हिटलर शाही है। इन व्यवस्थाओं को हम पूछने के लिए, इनका जवाब लेने के लिए आज यहाँ आए हैं, और हम जाने के लिए नहीं आए। हम सारे त्यौहार, चाहे वो करवा चौथ हो, चाहे वो दीपावली हो, हम जिला कलेक्ट्रेट बिजनौर के अंदर मनाने का काम करेंगे और यहाँ से तब तक नहीं हटने के जब तक जो हो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 23 तारीख से 2 सितंबर तक ये चलाया कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश। हम इनका भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए हम सरकार का सहयोग भी करते हैं, जो भ्रष्टाचारी यहाँ बैठे हैं उनका हम ये पुलंदा लेकर आए हैं, और हम एक चीज़ खोल कर यहाँ से तभी हटने का काम करेंगे, नहीं तो ये आंदोलन यहाँ चलता रहेगा।